हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं शहबाज मलिक। आज असी गल करांगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कनगो बारे। दोस्तों, सब तो पहला तुहानू इह दसना चाहांगा कि PSSB बोर्ड वालों इलेक्शन कनगो की जो पोस्टा निकलिया सन उन्हां दे एडमिट कार्ड आ चुके ने। तो सारे कैंडीडेट्स जिन्हां ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तां उह इसे वीडियो दे बिल्कुल ही नीचे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे विच इक लिंक होगा, जब तुसीं उस लिंक दे उपर क्लिक करोगे तां तुहानू उह सीधा उस स्क्रीन दे उपर लै जाएगा जिथों तुसीं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। चलो अज्ज दा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिन्ना कैंडिडेट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हों का इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ही लाजमी बन जाता है। मेरे वालों सारे ही कैंडिडेट्स नू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। चलो दोस्तों, देखते हैं थोड़िया इंस्ट्रक्शनस। सब तो पहले नंबर पर उन्होंने दिता है, उम्मीदवार दिए गए टेस्ट सेंटर से प्रीख्या के समय तो 45 मिनट पहला जरूर पहुँच जाए। मैं रिकमेंड कराँगा कि 1 घंटा पहला तुसी उत्थे मौजूद होवो। दोस्तों, लेट जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उम्मीदवार नूं पेपर शुरू होने वेले अपना एडमिट कार्ड, उम्मीदवार की स्कैंड फोटो और हस्ताक्षर समेत अते फोटो आई कार्ड दिखाना जरूरी होगा। जेकर किसी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड के उपर स्कैंड फोटो नहीं होगी तो उस हालत में जेकर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड उपर चिपकाई हुई फोटो किसी गजटेड अफसर तो तस्दीकशुदा होगी उस उम्मीदवार को फोटो आई कार्ड होगा तो ही उम्मीदवार पेपर में बैठने दिता जाएगा। तो दोस्तों, मेन गल की बनती है कि तुहाडे एडमिट कार्ड उपर तुहाडी फोटो लगी होवे ते उपर तुहाडे सिग्नेचर किते हो। किसी भी उम्मीदवार को कोई भी प्रीख्या दौरान खाली पेपर, मोबाइल फोन, FM रेडियो और कैलकुलेटर या कोई होर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस वरतन नाल ले जाने की सख्त मनाही है। तो कोई भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस तुहाडे कोल ना होवे। सेंटर विच अलकोहल या शराब, सिगरट आदि पीण की या पी के आने की सख्त मनाही है। जेकर कोई उम्मीदवार अजिहा करदा पाया जाता है तो उसनू प्रीख्या केंद्र विचों बाहर कढ दिता जाएगा और उसका रिजल्ट रद्द कर दिता जाएगा। उम्मीदवार केवल निर्धारित दिते हुए शीट नंबर पर ही बैठ सकेगा। उम्मीदवार को किसी भी हालत में अपनी शीट बदलने की सख्त मनाही होगी। डिफरेंटली एबल्ड अखा तो या दोनों हाथों तो उम्मीदवार को अपने नाल एक राइटर लियाने की इजाजत दी जाएगी। अजिही हालत में उस उम्मीदवार को अपनी डिफरेंटली एबल्ड की योग्यता का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। वह अपने राइटर के सर्टिफिकेट भी निगरान को चैक करवाएगा। राइटर की विद्यक योग्यता असामी लिए निर्धारित योग्यतावों तो घट होनी चाहिए है। डिफरेंटली एबल्ड उम्मीदवारों को 20 मिनट वाधू समा प्रीख्या के प्रति घंटे लिए दिता जाएगा। कोई भी उम्मीदवार दिते समय तो पहला प्रीख्या केंद्र तो बाहर नहीं जा सकता। किसी एमरजेंसी कारण करके उम्मीदवार सेंटर सुपरडेंट की प्रवानगी ही समय तो पहला सेंटर तो बाहर जा सकेगा। OMR शीट लई उम्मीदवार केवल नीला, काला, बाल पॉइंट पेन ही वरत सकता है। किसी भी हालत में उम्मीदवार जैल इंक वाला पेन या पेंसिल नहीं वरत सकता। उम्मीदवार अपनी जानकारी भरने लिए दिते हुए गोलियां चंगी तरह नाल काला करेगा। उम्मीदवार OMR उत्तर कापी ते ओवर राइटिंग या कटवट ना करे, अजिहा करन नाल उसका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। प्रश्न पत्रां दे 4 सैट ABC D होंगे। उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तक ते अपने दिते हुए सैट वाले गोलियां नूं ध्यान नाल काला करेगा अते लोड़ींदी जानकारी लिखेगा। जेकर कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तक ते अपने दिते हुए सैट वाले गोले नूं काला नहीं करता है अते ना ही लोड़ींदी जानकारी लिखता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। हरेक ठीक उत्तर लई 1 नंबर दिता जाएगा। गलत उत्तर लई नैगेटिव मार्किंग होगी। हरेक गलत उत्तर लई 1/4 अंक कटिया जाएगा। एक प्रश्न लई 1 तों वध गोले डार्क नहीं करने। अजिहा करन दी सूरत विच उम्मीदवार आप जिम्मेवार होगा। जदों तक उम्मीदवारों नूं सूचित नहीं किया जाता उदों तक पेपर बुकलैट नहीं खुलनी। जेकर कोई उम्मीदवार बुकलैट समय तो पहला खुलेगा तो उसके खिलाफ नियमों मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार रफ कम प्रश्न पत्र पुस्तिका ते दित्ती जगह उपर ही करे। उम्मीदवार पेपर खत्म होने तो बाद प्रश्न पत्र पुस्तिका ते OMR शीट की कार्बन कापी अपने नाल ले जा सकता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत सारे पेपरों में नाल नहीं ले जाने देते, तो ये तुसी अपनी उत्तर पुस्तिका नाल ले जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर तुहानू वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल सबसक्राइब कर देना।